नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज 13 सितंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्विज। तो हमारे क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, जनजातीय जिलों को टीबी मुक्त बनाने के लिए हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने आदिवासी जिलों की पहचान की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग ने जनजातीय जिलों को टीबी मुक्त बनाने के लिए 75 जनजातीय जिलों की पहचान की है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न दो की तरफ, एयरलाइन के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने ब्रिटिश कैरियर वर्जिन अटलांटिक के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने यूके कैरियर वर्जिन अटलांटिक के साथ कोड शेयर समझौता किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न तीन की तरफ, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड ने घोषणा की है कि अनुभवी बैंकर कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम ने तत्काल प्रभाव से इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाल लिया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न चार की तरफ, निम्नलिखित में से किस रॉकेट का उपयोग करके चीन ने यावगन 3302 नामक एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है, यावगन 3302 उपग्रह ने हाल ही में गोबी रेगिस्तान में जियोक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से चीन के लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के ऊपर उड़ान भरी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न पांच की तरफ, निम्नलिखित में से कौन 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, गुजराती में सावज का अर्थ शेर होता है जिसे 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर घोषित किया गया था। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधि है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न छह की तरफ, निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इस प्रश्न का सही उत्तर है, बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न सात की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC में भारत का पहला प्रवेशकर्ता बन गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है, तेलंगाना का वारंगल और केरल का त्रिशूर और नीलांबूर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC में शामिल हो गए हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न आठ की तरफ, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV रॉकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी को हाल ही में 860 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL एंड लार्सन एंड टूब्रो LNT द्वारा गठित एक अंतरिक्ष संघ को अगले 5 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के लिए 860 करोड़ रुपए का अनुबंध दिया गया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ, हाल ही में भारत सरकार ने नई दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर डैश कर दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है, सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत में एयर गैस मिक्सर घटक का निर्माण किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है, अग्रणी प्रौद्योगिकी स्टार्टअप फ्यूल फ्लिप एनर्जी भारत में एयर गैस मिक्सर घटक विकसित करने वाली पहली कंपनियों में से एक है।
तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 13 सितंबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूँ आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।